Friends, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी फेसबुक का डेवलपर अकाउंट यूज कर रहे हैं, और आपके के अंदर वार्निंग्स आ रहे हैं कि आप अपना करिए तो उसी के बारे में यह वीडियो मैं बना रहा हूँ और किस तरह से उसको वेरीफाई करना है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों तो आज के बाद जितने भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करेंगे वहां पर आपको अपना बिजनेस वेरीफाई करना पड़ेगा ठीक है तो इसमें क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं कैसे उसको वेरीफाई करना उन सभी चीज़ों के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं अदरवाइज अगर आप अपने बिजनेस का वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आपका पेमेंट जो है कि होल्ड कर दिया जाएगा और कोई भी नए एप्लीकेशन को रिव्यू नहीं किया जाएगा और उसको अप्रूवल नहीं दिया जाएगा मैंने कल जो है कि इस एप्लीकेशन को रिव्यू में डाला था और उसके बाद से मुझे ये वार्निंग आ रही है कि आप अपने बिजनेस को वेरीफाई करिए तो दोस्तों मैं अपने बिजनेस को वेरीफाई करने वाला हूँ और साथ में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपने बिजनेस को वेरीफाई करेंगे तो दोस्तों अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है अगर आ रहा है तो आप करिए अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है दो तो से तीन दिन में यह आपको वार्निंग शो होने लगेगा कि आप अपने बिजनेस को वेरीफाई करिए अदरवाइज यहाँ पे इशू वाले ऑप्शन पे आएंगे आइकन वाले ऑप्शन ऑप्शन पे सॉरी वार्निंग वाले आइकन पे आएंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यह आएगा योर बिजनेस नॉट बीन वेरीफाइड एट तो यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे आप इसके आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल इन्होंने दिया हुआ है तो उसके बारे में यहाँ पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि क्यों वेरीफाई करना है यहाँ पे देखिए इन्होंने सारी चीजें बता दी बिजनेस सेटिंग में जाके आपको सिक्योरिटी सेंटर पे जाके ये सारी चीजें आपको यू कैन सी योर बिजनेस वेरीफिकेशन तो ये सारी चीजें बहुत लंबा चौड़ा है इसको आप पढ़ सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे हम चलते हैं गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम दोस्तों बिजनेस सेटिंग के अंदर आ चुके हैं और यहाँ वेरिफिकेशन फॉर रोहित कुमार तो दोस्तों यहाँ पे आज सोलह नवम्बर है और ये सोलह नवम्बर को ये वार्निंग आई है तो इसको हम वेरीफाई करने वाले हैं तो वेरीफाई करने के लिए हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन डिटेल एंड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंटेशन तो यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअली यूज करें इंडिविजुअल हैं अकेले यूज कर रहे हैं तो आप आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यूज करेंगे और दोस्तों आप कोई कंपनी के साथ जुड़ के चला रहे हैं या फिर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है संस्था है जिसके लिए आपका फेसबुक मोनेटाइज है तो वहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल वर्क करता हूँ तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में सिलेक्ट करता हूँ उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा नेक्स्ट के क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत सारे टाइप्स के आई मिल जा रहे हैं आपको इसमें से किसी को भी एक अपलोड करके आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं यहाँ पे आपको पासपोर्ट आ रहा है ड्राइविंग लाइसेंस आ रहा है नेशनल आईडी कार्ड

उसके बाद यहाँ पे मुझे अपलोड करने के लिए ऑप्शन आ रहा है तो मैं यहाँ पे जाके अपना पैन कार्ड अपलोड कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पे जो है कि इन्होंने बताया कि पंद्रह सौ से एक हजार पिक्सल की साइज होनी चाहिए तो इसको हम चलते हैं फोटोशॉप के अंदर इसको हम पिक्सल कर देते हैं आ, सेट कर लेते हैं ठीक है दोस्तों पंद्रह सौ और हाइट हम कर देते हैं वन थाउजेंड क्योंकि यही उनकी रिक्वायरमेंट है क्रिएट करेंगे तो इसमें हमें करना है उसके बाद हम ओके okay करेंगे और यहाँ पे हम अपना पैन कार्ड जो है कि ये दोस्तों अब ये हो चुका है इसको मैं ब्लर कर दूंगा और सिक्योरिटी रीजन ठीक है डेस्कटॉप पे आएंगे और इसको पैन इसको हम पी में अपलोड कर देंगे सेव अब तो देखिए दोस्तों हमारा साइज भी हो चुका है फिक्स और यहाँ पे हम इसको अपलोड कर देंगे यहाँ पे हमारा पैन कार्ड आ गया उसके बाद यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे थैंक फॉर सबमिटिंग योर इन्फॉर्मेशन वी यूजुअली रिव्यू आईडी विद इन फोर्टी आवर वी विल सेंड यूर नोटिफिकेशन वेन यू हैव एन अपडेट यू कैन विजिट योर आइडेंटिफिकेशन कॉन्फर्मेशन सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है कि हमारा वेरिफिकेशन जो है कि रिव्यू में चला गया है तो दोस्तों ये आपको करना बहुत ही जरूरी हो गया अदरवाइज आपके अप्लीकेशन कोई भी नए अप्लीकेशन को आपको जो है कि अप्रूवल नहीं मिलेगा इससे दोस्तों आपको अर्निंग इफेक्ट हो सकती है आपका जो भी पेमेंट है वो होल्ड हो सकता है तो सारी चीजें हो सकती है तो इसलिए दोस्तों आप अपने बिजनेस को जरूर से जरूर वेरीफाई कर लीजिए आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है कैसे करना है वीडियो पसंद आई तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नमस्कार दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में